लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में रो हाउसेस के लिए दी गई एफएसआई में एडिशनल अल्टरेशन का प्रावधान है, जिसके जरिए नागरिक अतिरिक्त निर्माण कर सकते हैं, लेकिन नवी मुंबई महानगर पालिका है कि मनमाना कानून चलाते हुए नोटिस भेजने में जुटी है। वासी प्रभाग 64 के रो हाउसेस में अतिरिक्त निर्माण रोकना इसका बड़ा सबूत है। शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे ने इसे मनपा की मनमानी करार देते हुए कहा कि वासी के रो हाउस धारकों को मंजूर एफएसआई का उपयोग करने का पूरा हक है और हम उनका हक दिला कर रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। जो रो हाउसेस है आज इनको 40 साल के ऊपर हो गए, परिवार को एक साथ रखने के लिए उन्होंने वो घर बनाए, लेकिन इस पे एनएमएमसी के नोटिस आते हैं। एडिशन अल्टरेशन ये हर एक रो हाउसेस वाले का हक, लोग कोई परमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनको परवानगी नहीं मिलती। आज लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और जल्द से जल्द हम आयुक्त साहब उनसे मिलेंगे, ये विषय पे चर्चा करेंगे जिससे लोगों को राहत मिले। तस्वीर में दिख रहा नवी मुंबई के वासी प्रभाग 64 का ये वो रो हाउस इलाका है जहां एडिशनल एफएसआई का इस्तेमाल किसी अपराध से कम नहीं है। 40 साल पहले बने इन ड्यूप्लेक्स मकानों में यदि कोई अतिरिक्त निर्माण करता है तो मनपा अधिकारी नोटिस थमा देते हैं। रो हाउस धारक प्रीमियम और पेमेंट देकर इसकी मंजूरी लेना चाहते हैं, फिर भी परमिशन नहीं दी जाती। शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे की माने तो 2014 से ही मनपा ने यहाँ एडिशनल विकास को मंजूरी देना बंद कर दिया है। ऐसे में रो हाउस धारक परिवार की बढ़ती जरूरतों के बावजूद यहाँ एक कमरा तक नहीं बना पा रहे, जबकि रो हाउस धारकों को एडिशनल अल्टरेशन का पूरा हक है। विकास नियमावली में भी इसका प्रावधान है। अवधूत मोरे ने कहा कि 12 साल पहले भी ऐसी ही मनमानी चल रही थी जिसे रोका गया था, अब यह मनमानी दोबारा चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी मनमानी हम नहीं चलने देंगे। एडिशन अल्टरेशन ये हर एक रो हाउसेस वाले का हक है, उनको जो सैंक्शनड एफएसआई है उनके प्लॉट उस हिसाब से उनका रूम बढ़ सकती है। लेकिन आज क्या हो गया है, 2013-14 तक ये तो एडिशन अल्टरेशन का परमिशंस मिलते थे और अभी ये परमिशंस रुका दिए गए। आज लोग कोई परमिशन लेना चाहते हैं, प्रीमियम भरना चाहते हैं एनएमएमसी को, सिडको को प्रीमियम भरना चाहते हैं लेकिन उनको परवानगी नहीं मिलती है। तो आज परिवार को एक साथ रखने के लिए उन्होंने वो घर बनाए और वो जो उनके एफएसआई में उनका हक है वो, लेकिन इस पे एनएमएमसी के नोटिसेस आते हैं। 2010 में जब पूरे सेक्टर 6, 7, 8 के लोगों को रो हाउसेस को नोटिसेस आए थे, तभी मेरे पिताजी विट्ठल मोरे जो इधर के कॉरपोरेटर थे उन्होंने वो चीज़ पे स्टे लाया और लोगों के घर टूटने से बचाए। तो आज वही चीज़ हो रही है कि लोगों को उनके काम करते समय वार्ड ऑफिस न तो एनएमएमसी के लोग आके उनके काम रुकाते हैं, उनको नोटिसेस देते हैं। बताना जरूरी है कि राज्य सरकार ने यूडीसीपीआर में एडिशनल एफएसआई के इस्तेमाल के लिए ऐसे रो हाउस को तोड़कर नए सिरे से बनाने के निराले प्रावधान कर दिए हैं। यानी यदि किसी को एक रूम बनाना है तो पूरा रो हाउस तोड़ना होगा और स्टिल्ट प्लस 3 मंजिल का निर्माण करना होगा। शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसे सिर्फ एक रूम बनाना हो वो पूरा हाउस तोड़कर क्यों बनाए, और तो और जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी उनका क्या होगा। यह एडिशनल एफएसआई का हक रखने वाले रो हाउस धारकों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि इससे लोग डरे हुए हैं। युवा नेता ने कहा कि लोग मनपा की नोटिस से हैरान हैं, इसलिए जल्द ही मनपा आयुक्त और सांसद से चर्चा कर समाधान निकालेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज के जो यूडीसीआर के प्रोविजन में अगर ये रूम बढ़ाना है तो उनको पूरी बिल्डिंग तोड़ के, पूरी रोज तोड़ के स्टील प्लस 3 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अरे क्यों, मेरे को सिर्फ एक रूम बनाना है, मैं पूरी बिल्डिंग क्यों तोड़ूं? और हर एक की आर्थिक स्थिति सेम नहीं है,
जिसकी आर्थिक स्थिति है उसको स्टिल्ड प्लस थ्री स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाए, लेकिन जिसको सिर्फ एक रूम बनाना है उसका हक है कि उसके प्लॉट को उतना FSI लीगली पॉसिबल है तो उसे एडिशनल अल्टरेशन की परमिशन दी जानी चाहिए। आज लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे और जल्द से जल्द हम आयुक्त साहब उनसे मिलेंगे, निवेदन दूंगा कि ये जो उनका हक है जो एडिशनल अल्टरेशन का वो उनको मिले जिससे लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।